डियर स्टूडेंट्स इन अर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट रियल नंबर कि रियल नंबर क्या होते हैं इनको हम कैसे समझते हैं तो उसमें हम लोगों ने एक बेसिक डेफिनेशन देखी थी और नंबर लाइन के थ्रू हमने देखा था कि वेदर द नंबर वुड बी रियल और नॉन रियल वहाँ पर मैंने आपको कुछ लेक्चर्स फॉलो करने का बोला था क्लास नाइन्थ के एज क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल्स का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर एट्सट्रा इनको फॉलो करने का मैंने दो फायदा बताया था आपको पहला ये कि नाइन्थ टू टेंथ ब्रिजिंग का ये लोग काम करते हैं और दूसरा कि अगर आप इनको ढंग से एक बार स्टडी कर लेते हैं तो आपके नाइन्थ का रिवीजन भी हो गया और टेंथ में जब आप रियल नंबर स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा हमने गैप बीच में कर दिए नंबर्स के उसमें और एक और अगर इसका एस्पेक्ट देखें तो एन में भी इस तरह के क्वेश्चनस आते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग दिस थियोरम लेट अस टेक सम एग्जांपल्स सम वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स एज अगर हमारे पास कहीं टू बाई टेन लिखा हुआ है तो इट इज सिंपली इक्वल टू जीरो पॉइंट टू इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिनोमिनेटर टेन की पावर में था अगर जैसे टेन की पावर वन था तो वो डेसिमल प्लेस के बाद वन पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है अगर एक और एग्जाम्पल देखें जैसे फाइव अपॉन थाउजेंड तो ये टेन की पावर थ्री है इसका मतलब ये डेसीमल जो है वो टर्मिनेट हो रहा है और कितने प्लेसेस के बाद तो तीन प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है उसके बाद अगर अपन देखें सेवन अपॉन टेन थ्री पार फाइव तो टेन सुपर फाइव पे ये जो डेसिमल टर्मिनेट होगा ये कितने पॉइंट के बाद होगा तीन पॉइंट के बाद चलिए ये सॉरी फाइव पॉइंट्स के बाद अब ये मैटर नहीं कर रहा है कि कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है मेनली हमने ये देखा कि अगर टेन की पावर्स डिनोमिनेटर में है तो वो जो डेसीमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होता ही होता है जिसमें हम लोग उसके नंबर ऑफ प्लेसेस भी बता सकते हैं और साथ साथ हम उसकी यूनिट प्लेस भी बता सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी जैसे अगर आप देख रहे हैं तो जो न्यूमरेटर की यूनिट प्लेस है वही जो आपका टर्मिनेटिंग डेसीमल है उसकी लास्ट डिजिट आ रही है चलिए अगर ये वाला केस आपको क्लियर हुआ है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक थ्योरम थ्योरम जो है ये मेनली कहाँ यूज़ होती है इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर अब इसको और बेटर समझने के लिए हम इसका स्टेटमेंट फॉलो करते हैं स्टेटमेंट ने क्या बोला स्टेटमेंट ने बोला कि लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रेसनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ टू रेस्टोरी पार एम इन टू फाइव रेस्तरी पार एन वेर एम एंड एन आर होल नंबर एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स अब इसने क्या बोला इसने बोला कि अगर x आपके पास कोई p बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर है जहाँ पर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो टू रेस्टोडीपार एम इन टू फाइव रेस्टोरी पार एन रेस है तो अगर इस तरीके का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा मतलब और सिंपली देखें तो अगर x एक रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में है और q का जो फैक्टराइजेशन है वो टू की पार एम इन टू फाइव की पार एन मतलब जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन दिख रहा है हमको वो टू और फाइव की पावर्स में ही होना चाहिए उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए और अगर इनकेस कोई नंबर है भी तो वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाना चाहिए तो अगर इस तरीके का कोई नोटेशन है तो वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा ही होगा अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं तो प्रूव करने के लिए हमने सपोज़ किया कि लेट पी बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर वेर क्यू इज़ टू रेस्टो दीपार एम इंटू फाइव रेस्टोदीपार एन यहाँ पर हमने ये पहले ही मान लिया है कि क्यू जो है वो टू रेस्टो दीपार एम इंटू फाइव रेस्तो दीपार एन की फॉर्मेट में है ऑल राइट right. अब यहाँ पर एम और एन जो है वो पहले ही हमने देख लिया है कि होल नंबर से तो एम और एन के ऊपर तीन कंडीशन हो सकती हैं अगर हम इनको कंपेयर करें तो कि या तो एम ओर एन इक्वल होगा या फिर एन ग्रेटर होगा सॉरी एम ग्रेटर होगा एन से या फिर एम वुड बी लेस एन या तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे या फिर एम बड़ा हो जाएगा या फिर एन बड़ा हो जाएगा अब अगर दोनों इक्वल हैं तो केस नंबर वन को हम कैसे प्रूव करेंगे देखें इफ़ बोथ आर इक्वल देन डिनोमिनेटर क्यू जो है उसमें टू रेस्टी m एम इंटू फाइव रेस्ट्री पार एन की जगह टू रेस्ट्रोडी m एम इंटू फाइव रेस्टी पार एम लिखा जा सकता है क्योंकि एम और एन दोनों इक्वल है अब अगर दोनों इक्वल हैं तो हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं जिसमें हम क्या देखते हैं कि अगर ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम होता है तो इट इज़ इक्वल्स टू ए पी होल पावर एम मतलब अगर बेस नंबर अलग अलग हैं और पावर सेम है तो बेस नंबर डायरेक्टली प्रोडक्ट होके पावर जो है वो कॉमन पावर की तरह काम कर देती है अगर उस रूल को फॉलो करें तो जो पी अपॉइंट टू रेस्टी पार एम इंटू फाइव रेस्टोडी बार एन था वो पी अपॉइंट टेन रेस्टी पार एम हो गया और अगर डिनोमिनेटर में टेन की पावर आ जाती है तो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल्स देख के किया था कि अगर टेन की पावर्स बन गई इसका मतलब वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल इसका मतलब केस नंबर वन में अगर एम और एन इक्वल था तो हमने प्रूव कर दिया है कि इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल चलिए अगर m बड़ा है n से इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n छोटा है एम से और अगर n छोटा है और अगर मुझे इक्वल्स टू का साइन m और n के बीच में लगाना है तो मुझे बड़ी सिंपली फॉर्म में समझ में आ जाना चाहिए कि अगर n छोटा है तो मुझे n में कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे कि वो m के इक्वल आ जाए तो मैंने क्या किया मैंने उस एन को ए एक क्वान्टिटी ली जिससे ऐड करने पर वो एम बन गया जैसे लेट सपोज़ यहाँ पर एम की वैल्यू फाइव है और एन की वैल्यू टू है तो फाइव इज़ ग्रेटर दैन टू अब फाइव इज ग्रेटर देन टू तो टू में मैं क्या ऐड करूं जिससे कि फाइव से इक्वालिटी लग जाए तो आप सिंपली बोलोगे कि, कि सर टू में थ्री ऐड कर दीजिए तो यहां पर भी आप वही समझिए कि जो छोटा नंबर था इसमें कुछ ऐड किया जिससे कि वो एम के इक्वल हो गया हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें एम और एन को इक्वल बनाना है इक्वल बनाते ही ऊपर हमने देखा कि जब एम और एन की पावर सॉरी टू और फाइव की पावर एक सिंगल अल्फाबेट की फॉर्म में आ जाती है तो वो टेन की पावर बना लेती है तो हम नीचे भी उसी कॉन्सेप्ट के साथ काम करने वाले हैं अब देखिए एम तो ऑलरेडी हमारे पास है डिनोमिनेटर में टू की बार एम इन टू फाइव की पार एन अब फाइव की बार एन जो है अगर मैं एन के साथ ए और एड कर देता हूँ तो आई गेट एम तो मैंने एन के साथ ए ऐड करने के लिए फ़ाइव की पार ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर दिया उससे क्या बेनिफिट हुआ उससे ये बेनिफिट हुआ कि नीचे जो फाइव की पावर एन और फाइव की पावर ए है ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से फ़ाइव की पार एन प्लस ए हो जाएगा और अगर ये फाइव की बार एन प्लस ए हो गया तो ऊपर देखिए एन प्लस ए किसके इक्वल था एम के इक्वल तो जो डिनोमिनेटर बन गया वो बन गया टू की पावर एम इन टू फाइव की पावर एम क्योंकि फाइव की पावर भी एन प्लस ए हो गया और एन प्लस ए एम के इक्वल है अब टू और फाइव दोनों के पावर अगर एम हो गई तो फिर ये तो फाइनली टेन की पावर एम हो गया अब आप बोलोगे सर न्यूमरेटर तो बदल गया लेकिन न्यूमरेटर बदलने से कोई सेंस नहीं है हमें तो सिर्फ ये देखना था कि अगर डिनोमिनेटर टेन की पावर्स में है इसका मतलब वो टर्मिनेट करेगा तो यहाँ पर केस नंबर वन में टर्मिनेट हो गया केस नंबर टू में टर्मिनेट हो गया अब केस नंबर थ्री को भी केस नंबर टू की हेल्प से ही हम लोग ईजीली समझ सकते हैं कि अगर एम छोटा है एन से इसका मतलब एन जो है वो बड़ा है अगर एन बड़ा है तो एम को इक्वलाइज़ करने के लिए हमको कुछ क्वांटिटी एम में ऐड करनी पड़ेगी जो छोटा है उसमें ऐड करनी पड़ेगी तो हमने वापस से इसमें ए ऐड कर दिया तो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई एम प्लस है इसका मतलब मुझे अब दूसरी पावर को अगर n बनाना है तो मुझे मुझे उसमें एम प्लस ए जनरेट करना पड़ेगा अब एम प्लस ए जनरेट करने के लिए मैंने क्या देखा मैंने देखा टू की पावर एम तो था ही सही प्लस ए बनाने के लिए मैंने टू की पावर ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई करने से जो टू की पावर एम इन टू की पावर ए था ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से टू की पावर एम प्लस ए में कन्वर्ट हो गया और एम प्लस है ऊपर हमने क्या माना है एन तो अगली स्टेप में डिनोमिनेटर जो है उसमें टू की पावर एन आ जाएगी अब टू और फाइव की पावर एन हो गई तो वो टेन की पावर एन बना दिया और टेन की पावर एन हो गया तो वो टर्मिनेट हो गया तो इन तीनों केसेस को अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर तीनों केसेस में हमने टेन की पावर्स को ही फॉर्म किया है अगर इसको ओरली समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको यहाँ पर पॉज करके और एक बार के लिए पेन और पेपर से इसको लिख के देखिए सॉल्व करके देखिए ये थ्योरम बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी ऑल दो इस थियोरम का प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आता है बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने इसको यहाँ पर पूरा कवर किया है ओके okay, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक द नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अब हमें डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है तो जैसे पहला एग्जाम्पल इज हंड्रेड एंड फाइव अपॉन सिक्सटीन तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि क्या इस नंबर का कोई कॉमन फैक्टर है जिससे कि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सके तो आंसर वुड बी नो अब अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 16 का किया है तो टू रेज थ्री पावर फोर अब मुझे टू की पावर तो दिख गई लेकिन मुझे फ़ाइव की पावर नहीं दिखी फाइव की पावर नहीं दिखी तो भैया मन की आंखों से देखो कैसे देखोगे हम इसको इंटू करके फाइव की पावर जीरो तो लिख ही सकते हैं क्यों? क्यों क्योंकि फ़ाइव की पावर जीरो इज़ वन और वन से इंटू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन सर इससे बेनिफिट क्या हुआ इससे बेनिफिट ये हुआ कि ये जो डिनोमिनेटर था ये टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन में आ गया जहाँ पर एम और एन जो है वो दोनों होल नंबर है देखो फोर भी होल नंबर है एंड जीरो इज ऑल्सो अ होल नंबर तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब डिनोमिनेटर टू की बार एम इन टू फाइव के बार एन की, की फॉर्म में आ गया तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ही नहीं हमने डायरेक्टली लिख दिया कि इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं टू टू फोर अपॉन एटी वन अब टू टू फोर अपॉन एटी वन को पहले सिंप्लीफाई करके देखें फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो हमने सीधे सीधे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया दैट इज थ्री बाई फोर अब यहाँ पर ना तो टू नज़र आ रहा है ना फाइव नज़र आ रहा है तो फिर आप बोलोगे कि सर हम दोनों टू की पार जीरो और फाइव की पार जीरो तो ला ही सकते हैं और लेके आ जाते हैं प्रोडक्ट में तो फिर दिख जाएगा दिख जाएगा लेकिन क्या है थ्री की पावर फोर एलिमिनेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा अगर नहीं हो पा रहा है और हमने पहले ही डिफाइन किया था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ टू और फाइव की पावर होनी चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए तो जब यहाँ पर थ्री की पावर फोर टर्मिनेटिंग मतलब ये थ्री की पावर फोर जो है ये एलिमिनेट नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है इसका मतलब ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल थर्ड देखते हैं 117 अपॉन 75 अब अगर इसको देखें तो इसमें पहले देखते हैं क्या कोई कॉमन फैक्टर है तो हमने फैक्टराइज करके देखा तो हाँ वी हैव अ कॉमन फैक्टर एस थ्री तो थ्री से थ्री को कैंसिल किया अब जो हमारे पास बचा वो 39 नाइन अपॉन फाइव स्क्वायर बचा अब 39 नाइन अपॉन फाइव स्क्वायर में फाइव की पावर दिख रही है टू की पावर नहीं दिख रही तो इंटू टू की पावर जीरो कर दिया अब डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ टू की पावर एम इन फाइव की पावर एम तो इसका मतलब इट वुड बी अ टर्मिनेटिंग डेसीवल होपफुली अब समझ में आ रहा होगा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जैसे फोर्टी नाइन अपॉइन सेवनटी फोर्टी नाइन अपॉन्ट सेवेंटी को सबसे पहले सिंप्लीफाई किया सेवन को सेवन से कट किया तो वी आर लेफ्ट विथ सेवन बाय टेन और सेवन बाय टेन में जो डिनोमिनेटर है उसमें टू और फाइव की पावर वन वन दिख रही है या मैं सीधा कि अब इसमें टू और फाइव की पावर क्यों बनाते हैं हम क्योंकि हमें टेन की पावर बनानी होती है अब ये तो ऑलरेडी टेन की पावर इसने हमको सर्व कर दी इसका मतलब ये तो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा सो आई होप दिस सेगमेंट ऑफ़ टू रेस्म इन टू फाइव रेस्डी पारा एम मैथड इज क्लियर टू यू यहाँ पर इसने हमको क्या फ़ायदा दिया इसने हमको ये बेनिफिट दिया कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर टू और फाइव की पावर्स में हो जाता है तो हमें उसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है हम डायरेक्टली कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बट मेक श्योर कि एम और एन जो है उनकी पावर्स एम uh, और एन जो हम नंबर्स ले रहे हैं वो होल नंबर्स लेने हैं और उसके अलावा अगर कोई नंबर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखता है अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है इसका मतलब सीधे सीधे लिख देना है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा सो दिस वॉज़ आर लेक्चर नंबर टू ऑन रियल नंबर्स एक बार इसे ढंग से पढ़ के देखिएगा थैंक यू